शुक्र है मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर ने जुनैद के चेकअप के लिए नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट दी है। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जाके बताता हूँ उसे। नहीं, तुम रहने दो अभी। क्यों सो रहा है? नहीं शायद, लेकिन अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया है वो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ नहीं हुआ, अबीर के साथ उसका रवैया ठीक नहीं है। तुम देख रहे हो ना कितना ख्याल कर रही है, कितनी खिदमत कर रही है उसकी। आराम से बैठकर समझाओ उसे कि बीवी है तुम्हारी, उसे इज्जत देगा, प्यार देगा, तो बदले में वो भी दिलो जान से चाहेगी उसे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं भाई, जो आप इस तरह समझा रहे हैं मुझे। हरकतें तो तुम छोटे बच्चों वाली कर रहे हो। ये क्या किया है? यार समझने की कोशिश करो कि घर में अगर किसी एक का भी मूड खराब होता है तो पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। और वैसे भी तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। अम्मी कितना टेंशन में है। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ भाई? अबीर के साथ जो तुम्हारा रवैया जिद्दी है, बहुत अना है उसमें। हर इंसान में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे अंदर तुम्हारे अंदर कोई बुराई है भाई? वो बदल जाएगी। और फिर इस एक्सीडेंट में उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। हद से ज्यादा परेशान है, बेहाल हुई हुई है। हम सब देख रहे हैं कि वो कैसे खुद को भूलकर तुम्हारी खिदमत कर रही है, दिलो जान से तुम्हारा ख्याल रख रही है, अम्मी की नाजिश की ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी है। और ये बात नाजिश ने मुझे खुद बताई है। बस अब तुम्हें अपना रवैया ठीक करना होगा उसके साथ। वो जिए या मरे, आज के बाद मेरा उससे कोई काम नहीं। मैं क्या समझता रहा और तुम क्या निकले? कितने आराम से कह दिया कि मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर सब खाना खा चुके हैं। भाभी ने कहा है कि आपको अंदर ही भिजवा दूं। मुझे भूख नहीं है। लेकिन खाना तो फिर भी खाना पड़ेगा, उसके बाद आपको दवा भी लेनी है। मैं लेके आ रही हूं। तुमने कॉल करके उसे बदतमीजी की, उसे दुख पहुंचा है, और इस वजह से तुम मुझे जहर लग रही हो। बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, जाओ। और मुझसे आपकी तकलीफ, आपका बेसुकून होना बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अपने दिल को मार के मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। आज के बाद मैं तुम्हें कोई दुख कोई तकलीफ नहीं दूंगा वीर। खाला वो अम्मी, खुशखबरी है, खुशखबरी। बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी। बहुत ख्वाहिश थी मुझे दादी बनने की। आज जुनेद और अबीर को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे जुनेद का रवैया अब अबीर के साथ बेहतर हो गया। हाँ, और आज नाश्ते पे कितना खुश लग रहे थे दोनों, और अबीर कितना रिलैक्स लग रही थी। शुक्र है अल्लाह का। बस मैं तो तुम सब लोगों को खुश देखना चाहती हूँ एक साथ। अच्छा हाँ, वो मैंने अतर से कह दिया था कि ऑफिस से वापसी पर गरीबों में खाना तकसीम करते। और हाँ, अतर को फोन करके कह देना कि 25 किलो मोतीचूर के लड्डू का ऑर्डर कर दे। आखिर मेरे घर की पहली खुशी है रिश्तेदारों में तकसीम करने है भाई। कैसा लगा आपको ड्रेस?
एक से बढ़कर एक। मुझे तो वैसे एक और ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो ले लेती। अफान की तो ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पसंद के ड्रेसेस दिलाने। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जब मैं ड्रेस खरीद रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अफान को ये वाला ड्रेस ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिर मैंने ये ले लिया। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। अच्छा, वो आपने अपना ड्रेस ले लिया? अल्लाह पाक तुम्हें जिंदगी की सारी खुशी। डॉक्टर ने 2 हफ्ते के रेस्ट का कहा है, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अबीर। आप फिक्र ना करें भाई, मैं जुनैद का पूरा ख्याल रखूं। ये सड़क कहाँ को जाती है? ये सदर को जाता है। अचानक तो नहीं आ सकता, जरूर पीछा कर रहा होगा मेरा। अगर अतरवाई की नजर पड़ गई और पहचान ली उन्होंने, तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या हुआ अम्मी? अरे हबीर को फोन मिला रही थी, उसने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। तो खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अम्मी। हाँ, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप अबीर से कभी कभी बात करेंगे, मगर अब लगता है आपके अबीर से रोज बात होती है। रोज कहाँ बात करती हूँ मैं उससे, लेकिन फलक मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी उसे फोन करूँ, कम से कम फोन तो उठाए ना, बात तो करे ना, मेरा दिल तो मुतमईन हो जाए। मैं उसने आपको बताया कि वो खुश है, तो आपके दिल को क्यों नहीं इत्मीनान आता? फलक, मैं मिलना चाहती हूँ अबीर से, मैं देखना चाहती हूँ उसे। नहीं अम्मी, ये मत कीजिएगा। अगर आपको अब्बू की जिंदगी अजीज है, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसे भी दादी के इंतकाल के बाद वो बहुत तकलीफ में है, उन्हें मजीद दुख नहीं दे। अल्लाह करे मेरी मेरी बच्ची ठीक हो, खैरियत से हो। जैसे उसने बताया ना, ऐसी हंसी खुशी रह रही हो, अपने घर को संभाल रही हो। ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। Subscribe to the ARY Digital YouTube channel for more entertaining content.